फैक्ट्री वर्कर के बेटे ने बनाया $1 बिलियन का स्टार्टअप और किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है, ये सब मैं बताऊंगा इस स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज के एपिसोड में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली न्यूज ये है कि पीटी टोकोपीडिया, जो कि इंडोनेशिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, अब वो इंडोनेशिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप भी बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन रेस किया है सॉफ्टबैंक से $7 बिलियन के वैल्यूएशन पे। पीटी टोकोपीडिया की शुरुआत 2009 में फैक्ट्री वर्कर के बेटे विलियम तनुविजय ने करी थी। वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें मर्चेंट्स यानी दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स वहां से खरीदते हैं। वो कई कैटेगरीज जैसे क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में अपना सामान बेचते हैं और अब कई डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे लोन के लिए अप्लाई करना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना, मोबाइल रिचार्ज करवाना, प्लेन और ट्रेन के टिकट्स बुक करवाना इत्यादि, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि व्हाट्सएप ने ईस्टैप के पुराने CEO अभिजीत बोस को हायर किया है अपना इंडिया ऑपरेशंस हेड करने के लिए। अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि व्हाट्सएप अपना व्हाट्सएप पे इंडिया में लॉन्च नहीं कर सकता जब तक वो एक ऑफिस अपना इंडिया में ना खोले। उसके बाद व्हाट्सएप पे बहुत फेक न्यूज़ भी फैलने लगी, इसलिए उन्होंने कोमल लाहिरी को ग्रीवियंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हायर किया। अभी व्हाट्सएप के इंडिया में 200 मिलियन यूजर्स तो हैं, पर वो व्हाट्सएप पे लॉन्च नहीं कर पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रेगुलेशंस थे। अब वो धीरे धीरे सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो होपफुली अब जल्दी से व्हाट्सएप पे सही से वो लॉन्च करने वाले हैं। तीसरी न्यूज़ ये है कि अब सॉफ्टबैंक भी अपना ऑफिस खोलने वाला है इंडिया में। सॉफ्टबैंक अपना ऑफिस मुंबई में खोलेगा, जिसको हेड करेंगे नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स के सुमेर जुनेजा। सॉफ्टबैंक ने अभी तक इंडिया में करीब $8 बिलियन इन्वेस्ट किया है और उनके पास स्टेक्स ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ओला, हाइक इत्यादि के हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली अपना स्टेक फ्लिपकार्ट का बेच दिया था जब वॉलमार्ट ने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है। तो अब क्योंकि सॉफ्टबैंक का बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया में है, इसलिए उन्होंने ये ऑफिस खोला है। प्लस जो सॉफ्टबैंक ने जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर उन कंपनीज को इंडिया में आना है तो उनके इंडिया एक्सपेंशन के लिए भी ये ऑफिस मदद करेगा। सॉफ्टबैंक बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में भी है, तो अगर आप सॉफ्टबैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर। क्रॉपिनटेक ने अपने सीरीज बी राउंड में $8 मिलियन रेस किया है चिराटे वेंचर्स और गेट्स फाउंडेशन से। क्रॉपिनटेक अपनी सर्विसेज बेसिकली एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रोवाइड करता है, जिसमें वो AI, बिग डेटा एनालिटिक्स और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी न्यूज़ ये है कि फिनटेक स्टार्टअप इनक्रेड ने $41.9 मिलियन की फंडिंग उठाई है अपने फाउंडर और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से। इस फंडिंग से वो और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेगा और जो अभी उनका बिजनेस है जिसमें वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, उसको भी एक्सपैंड करेगा। करेंटली वो बेसिकली एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कई टाइप के लोन्स जैसे टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी न्यूज़ ये है कि समस टेक्नोलॉजी, जो कि पेरेंट कंपनी है हाइपर लोकल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म मैजिक पिन की, उन्होंने $20 मिलियन यानी करीब 141 करोड़ रेज किया है फंडिंग राउंड में। मैजिक पिन की शुरुआत 2015 में हुई थी और बेसिकली वो ऑफलाइन स्टोर्स का ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उनके ऐप में आप इन सब स्टोर्स के कई सारे डील्स देख सकते हो और फिर आप ये सारे डील्स यूज़ कर सकते हो जब आप उनके स्टोर्स में जाओगे। तो अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर। बैंगलोर बेस्ड फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट ने अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में सेरेनिटी को खरीद लिया है, तो वो अब सेरेनिटी को अपने मेंटल वेलनेस के वर्टिकल माइंडफिट में इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा सर्विसेज, मेडिटेशन और थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेरेनिटी भी काउंसलिंग और थेरेपी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। क्योरफिट के 4 मेन वर्टिकल्स हैं। पहला है फिजिकल फिटनेस जो कि है कल्टफिट, दूसरा है कि मेंटल वेलनेस वर्टिकल जो कि है माइंडफिट, तीसरा है कि हेल्दी फूड जो कि ईटफिट, और चौथा है कि प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक्स वर्टिकल केयरफिट। क्योरफिट की शुरुआत 2016 में हुई थी और उनको फंड किया है एक्सेल पार्टनर्स, IDG वेंचर्स, रतन टाटा इत्यादि ने। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़।
आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करो, और अगर कोई डाउट हो तो सीधा वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना और मैं रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप देख ही रहे हो इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है, और घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।